चली गई आपकी बहन। आप आके जगह का कोई और होता ना, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करता कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाता। तुम इतनी गुस्सा क्यों हो शमीला? आपकी बहन है, आप करें ना उनकी इज्जत, मैं क्यों करूँ? और वैसे भी अम्मी जो उन्होंने मेरे साथ किया है, क्या वो अच्छा किया है? ये आपा का जर्फ है कि वो सब कुछ भुला कर फिर से तुम्हें बहू बनाने आ गई है। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, उन्होंने कहा था कि उन्हें हातिम ने भेजा है, वो खुद से नहीं आई। देखो शमीला, सिर्फ तुम ये याद रखो कि वो हातिम और फाहम की माँ है, यही समझकर आपा की इज्जत करो, उन्होंने हमें फिर से इज्जत दी है। हाँ तो मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया, आपके सर पे किया होगा। शमीला तुम इतनी एहसान फरामोश, बदतमीज और बद लिहाज क्यों हो? सलमान ठीक कहता था कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। याद रखना, अगर तुमने अब आबा के साथ कोई भी बदतमीजी की ना, तो मैं हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, ना ही किसी और का। अब की बार मैं भी इस घर से गई ना, तो सारी कश्तियां जला कर जाऊंगी और किसी की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुमने क्या फैसला किया? तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? मैंने वक्त और हालात देखते हुए जो बेहतर समझा वो फैसला किया। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझ पे तरस खा रहे हो? जी नहीं, मैं फाहम भाई की मोहब्बत और इज्जत को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ये जानते हुए हातिम कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम्हें वो मकाम नहीं दे सकती। जानता हूं, पर मुझे ये सब कुछ चाहिए नहीं। तुम जानते हो ना कि इस सब के बाद खाला जान मेरे साथ क्या सलूक करेंगी, मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, अम्मी जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरे फैसले को कबूल करेंगी। मेरे दिल में एक और खौफ भी है। अपने दिल से तमाम खौफ, वसवसे और अंदेशे निकाल लें। तुमने मुझे फहम की याद दिला दी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे तसल्ली देते थे, मेरे साथ देते थे। हातिम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मौके पर मुझे क्या कहना चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, कुछ ना समझ, बस ये समझे कि इस सब में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत है। इसीलिए शायद खामोश हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस रिश्ते में इज्जत होगी मोहब्बत नहीं। कल हातिम का निकाह है। इतनी जल्दी? जिस काम को होना है उसे तो होकर ही रहना है। एक नई आजमाइश, एक नया इम्तिहान, इसमें क्या मसला है ये तो वही जानता है। हमें तो बस अल्लाह के हुक्म पर लबैक कहना है। तुम भी अल्लाह की रजा पर लबैक कहती आगे बढ़ो और कल निकाह पर जाने की तैयारी करो। बेशक मेरा अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा करना था, लेकिन दुनिया का सामना करने की मुझमें हिम्मत नहीं। लोगों की निगाहें, उनके सवाल, मैं खामोश खामोश रहना इस वक्त तुम्हारी मजबूरी है रिदा। क्या करें अगर हातिम गुमराह हो गया है? तो वो मेरी औलाद,
बेटा है मेरा और तुम्हारा भाई, उसका हक है जिससे चाहे वो निकाह करे, और हमें उसकी खुशी में खुश होना पड़ेगा। मगर बस कल हमें निकाह पर चलना होगा। सब बातें छोड़ो, मर्दों का दिल कैसे लुभा लेते हो यार। कोई तुम्हें फोन पर मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते, तो कोई आग से खींच जाता है।